मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा पुलिस ने मुमरा के अमृत नगर के रहने वाले मोहम्मद इरफान सगीर शेख को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि एक फहीम नाम का आरोपी अभी भी फरार है। और एक दूसरे मामले में मुमरा के ठाकुरपाड़ा के रहने वाला सुनील राजा राम 32 वर्षीय को कलवा घुलाई नगर में एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ कलवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बाइक चोरी के मामले में मोहम्मद इरफान ने कलवा पुलिस के सामने 7 गुनाह कबूल किया है, जिसमें 6 गुनाह कलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं और 1 गुनाह मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल और 2 ऑटो रिक्शा जब्त किया है। इन दोनों मामलों को लेकर DCP गणेश गावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। और किस तरह का गुनाह जो है उजागर करना है और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार करने हैं? 14 फरवरी 2023 को पुलिस स्टेशन कलवा में मोटरसाइकिल चोरी का गुनाह दाखिल हुआ था। जो ये मोटरसाइकिल चोरी के डिटेक्शन के लिए यहाँ के सीनियर PI DB इंचार्ज और DB का पूरा स्टाफ कोशिश कर रहा था। पुलिस स्टेशन के हेड कॉन्स्टेबल श्रीमंत राठौड़ इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस, CCTV फुटेज का एनालिसिस और उनके इन्फॉर्मर से जानकारी मिली। वो जानकारी के अनुसार उन्होंने मोहम्मद इरफान सागिर शेख, इस अमृतनगर मुमरा में रहने वाला ये आरोपी है, इसके पास इंक्वायरी की तो उसने ये गुनाह किया है। इसके बारे में उसने कन्फेशन दिया। वो कन्फेशन के अनुसार उसको और ज़्यादा इंक्वायरी की इंट्रोगेशन किया तो उसने और इसी तरह के 6 गुन्हे किए हैं, ये पुलिस के सामने बताया। ये ऑफेंस में उसके साथ फहीम जो अभी फरार है, ये आरोपी के साथ मिलकर इसने ये गुनाह किया है। ये टोटल ये आरोपी के पास से 5 मोटरसाइकिल्स और 2 रिक्शाएं हमने बरामद की है। इससे पुलिस स्टेशन कलवा के 6 गुन्हे डिटेक्ट हुए और पुलिस स्टेशन मुमरा का 1 गुन्हा डिटेक्ट किया है। अभी आरोपी मोहम्मद इरफान ये पुलिस कस्टडी में है, बाकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। कितना लोग दूसरा 16 फरवरी को हमारे डिटेक्शन स्क्वाड DB की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी शिव शक्ति नगर घुलाई नगर में। रात को 2 बजे उन्हें एक शख्स सस्पेक्ट वो लगा, इसलिए उनको इंक्वायरी की। सुनील राजारामपुरी उनकी एज है 32 साल। वो उसकी मूवमेंट सस्पिशियस थी, इसलिए उसको चेक किया। फिजिकल ट्रेसकिंग में उसके पास से एक पिस्टल मिला है। वो पिस्टल बाजू में आप देख सकते हो, वो पिस्टल के साथ 3 लाइव कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। वो जब्त किए और इंडिया आर्म्स एक्ट सेक्शन 325 के अनुसार पुलिस स्टेशन कलवा में गुनाह दाखिल है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, जो आरोपी गिरफ्तार करना है, इसका पहले भी कोई बैकग्राउंड है क्या? इस अभी तक उसका रिकॉर्ड तो कुछ मिला नहीं, लेकिन हम और चेक कर रहे हैं। बाहर के स्टेट में कुछ ऑफेंसेस होंगे या नाम बदल कर उसने कुछ गुनाह किए होंगे तो उसके बारे में। सर, ये आरोपी कलवा का ही रहने वाला है? ये आरोपी मुमरा का रहने वाला है, ठाकुरपाड़ा मुमरा, ठाकुरपाड़ा के मुमरा का रहने वाला है। पुलिस कस्टडी हो गई, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में गया। MCR, थैंक यू।